हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा साधारण ब्याज के कुछ उपयोगी सूत्र जो हमारे एग्जाम में भी काम आएगी और हमारे ज़िंदगी के अंदर लाइफ में जहां पर प्रॉब्लम आएगी वहां पर भी ये हमें काम देगी। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में कुछ सूत्र को इस वीडियो में करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, ठीक है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा के 100, ये होता है साधारण ब्याज का सूत्र, ठीक है। और इसे रिलेटेड जितना भी है सबको सूत्र मैं बताऊंगा। देखिए, इसको साधारण ब्याज को किससे प्रदर्शित करते हैं, यस आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यस, इसको सिंबल में रखेंगे, इसे मूलधन को पी से और समय को आपका है टी से, बड़े दर को आपको आर से, और 100 तो ये 100 ही है, तो मूलधन बराबर, ठीक है, ये इससे भी हो सकते हैं एस आई, इसका साधारण ब्याज बराबर पी गुड़े टी गुड़े आर बटा के 100, ये है इसका सिंबल, ठीक है। अब इससे जितने भी इसके रिलेटेड जितने भी फार्मूला है मैं उसको आपको लिखने वाला हूँ। देखो, ये देखो, अब मूलधन बराबर क्या होगा आपका साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज गुड़े, ये साधारण ब्याज गुड़े आपका हो जाएगा, साधारण ब्याज गुड़े आपका क्या होगा 100, ये 100 उधर जाएगा, 100 बटा के कितना होगा समय गुड़े दर, समय गुड़े दर, ये सिंबल में आपका क्या होगा इसका मूलधन यानी कि पी बराबर साधारण ब्याज क्या है एस आई हो गया, ठीक है, गुड़े 100 बटा के टी ये हो गया आर ये हो गया, सिंबल में इस तरह लिखेंगे। आ देखो, समय बराबर, समय बराबर क्या होगा आपका साधारण ब्याज, साधारण ब्याज गुड़े 100 बटा के क्या होगा पी, मूलधन इधर ही रह जाएगा पी गुड़े यानी कि ये सॉरी ये हो गया मूलधन आपका, मूलधन गुड़े क्या होगा आपका दर, ठीक है। इसका सिंबल में क्या होगा आपका समय यानी कि टी बराबर एस आई गुड़े 100 बटा के मूलधन गुड़े और ये दर हो गया, ये सिंबल में इस तरह जाएगा। अब इसका दर का देख लेते हैं, दर बराबर क्या होगा आपका वही होगा साधारण ब्याज गुड़े 100 बटा के मूलधन गुड़े आपका क्या होगा समय, और सिंबल में आपका क्या जाएगा ये आर बराबर एस आई गुड़े 100 बटा के पी गुड़े टी, ये आपका सिंबल में आएगा, ठीक है। आप देखें तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर आपका होता है मूलधन, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को सिंबल में क्या लिखेंगे मिश्र धन यानी कि क्या होता है मिश्र धन क्या है इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ए बराबर मूलधन आपका पी प्लस साधारण ब्याज हो जाएगा या साइन ये है, ठीक है। और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मैं बता दूं आपको कि मिश्र धन होता है आपका मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज हो गया या साइन बराबर मिश्र धन क्या हो गया ए माइनस पी, ठीक है, ये हो गया इतने सूत्र। कुछ और सूत्र देख लेते हैं, मूलधन बराबर क्या होगा आपका मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज, इसका सिंबल क्या होगा आपको देख लीजिए, मूलधन यानी कि पी बराबर मिश्र धन हो गया ए माइनस साधारण ब्याज क्या हो गया आपका एस आई,
ठीक है। आज दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो मैं वीडियो का लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आपके नई वीडियो बात सबसे पहले पहुंचे। करते हैं मैं तो नेक्स्ट वीडियो में।